हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह खैर नाल, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। आज मैंने आपको फ्रंट से अपना इंट्रोडक्शन दिया है बहुत टाइम बाद। तो जी, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, वीडियो तो नॉर्मल ही है जो मैं आज पूरा दिन करूँगी, बट आज जो स्पेशल है वो ये है कि आप सभी को मे बी शायद बाहर के लोग नहीं जानते हैं, जो आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, बट 5 सितंबर है आज, 5 सितंबर को हमारे यहाँ इंडिया के अंदर मनाया जाता है टीचर्स डे। तो यस, आज है टीचर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, जो टीचर्स हैं वो भी, और जो टीचर्स नहीं हैं वो ये ना सोचे कि वो टीचर्स नहीं हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी फर्स्ट टीचर जो होती है ना, उसकी मम्मी होती है। तो मेरी जो टीचर है वो मेरी मम्मी है फर्स्ट टीचर, क्योंकि वो हमें सब कुछ सिखाती हैं। और मेरी तो सचमुच में, मेरी क्या, सभी बच्चों की माएँ जो होती हैं वो एक अच्छी टीचर होती हैं, उनकी परवरिश जो होती है। टीचर के बाद टीचर के पास बच्चा 3 साल में जाता है, बट माँ के पास तो बच्चा शुरू से ही रहता है। तो अच्छी बुरी हर चीज़ की जो सही गलत की पहचान होती है वो माँ ही सिखाती है, माँ ही बताती है। और जितनी रिस्पेक्ट हम अपनी माँ की करते ना, उतनी रिस्पेक्ट हमें अपनी टीचर्स की भी करनी चाहिए। अपने पेरेंट्स की करते उतनी रिस्पेक्ट हम टीचर्स की भी करनी चाहिए। ये मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है, तो जो मेरी मम्मा ने मुझे चीज़ें सिखाई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे बहुत बहुत स्पेशल डे होता है, और मेरी बेटी ने दिए हमें चॉकलेट, इनायत ने मुझे और उसके पापा को दी है चॉकलेट, जो कि फ्रिज में रखी हुई है। और इनायत अपने टीचर के लिए लेके गई हैं एक कार्ड बना के, और उनके लिए भी चॉकलेट लेके गई हैं। अब वो अपनी ट्यूशन टीचर के पास जाएंगी तो उनको भी देंगी। तो ये शुरू से मैंने इनायत, मेरी मम्मा भी ऐसे करती थी जब हम छोटे थे, तो हम चारों बहन भाइयों को, 3 तो हम तला ऊपर के ना, सबसे बड़े भैया, फिर मैं, फिर बुलबुल, तो हम तीनों एक साथ ही स्कूल वगैरह जाते थे। तो वो सभी के लिए गिफ्ट्स वगैरह शुरू से ही देती थी, तो वही सिस्टम हमने अपने बच्चों को भी सिखाया। मैं शुरू से इनायत को गिफ्ट देती हूँ टीचर्स डे वाले दिन, वो कुछ भी एक छोटा मोटा सा रोज़ होते हैं, चॉकलेट्स होती है या पेन होता है या कुछ भी एक्सेसरीज होती है, वो अपनी स्कूल टीचर को भी देती है और वो अपनी ट्यूशन टीचर को भी देती है। तो बस इसी तरीके से टीचर डे सेलिब्रेट होता है हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है वो मुझे ज़रूर बताएगा। और आज के दिन जो जैसे कि 1st से 5th तक होते हैं ना, तो 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं, सीनियर होते हैं वो, तो वो टीचर बनते हैं। और जो 6th से 12th तक होते हैं, जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं, तो वो टीचर्स बनते हैं। तो फिलहाल आज जो है ना, वो हमारी घर के अंदर तहजीब टीचर बनी है, और वो आप लोग आगे देखिएगा। तहजीब इतनी सुंदर लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, मेरे बच्चे को नज़र ना लगे, वो बहुत प्यारी लग रही है। और उसने साड़ी पहनी है, जो साड़ी मेरी है वो तहजीब ने पहनी है, और भाभी ने उसको बहुत सुंदर और बहुत प्रिटी तैयार करा है, ठीक है। और इनायत जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर बनेंगी, या फिर देखो कब बनती है। बट आज इसी तरीके से हमारे यहाँ टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है कि बच्चे जो होते हैं सीनियर क्लासेस के बच्चे, वो टीचर्स बनते हैं। तो साड़ियाँ पहनी जाती हैं, सूट पहने जाते हैं, जैसा जो पहले तो ये कंपलसरी था कि साड़ी ही पहननी होती थी। तो बच्चों को पता, ड्रीम होता था जब हम लोग टीचर थे, बने थे ना 5th क्लास में, मैं और बुलबुल बने थे, तो हमारा ड्रीम था साड़ी पहनने का, तो वो हमने पहनी। फिर मैंने तो जल्दी स्कूलिंग छोड़ दी थी, बट बुलबुल फिर 12th क्लास में टीचर बनी थी, तो उसने फिर दोबारा से साड़ी पहनी थी। तो ये बहुत ही अच्छा मौका होता है। तो एक बार फिर से आप लोगों को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मुबारक बोलते हैं, और कुछ अच्छा बनाते हैं आज के दिन, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। तो मम्मी ने तो बड़ी प्यारी साड़ी बांधी है तुम्हारे। अरे अभी भी ये पता है, यहाँ से यहाँ कर दो, यहाँ से यहाँ कर दो, 1.5 घंटे 2 घंटे में बनी है। नहीं, बहुत अच्छी बांधी है मम्मी ने तो साड़ी। अरे बड़ी सुंदर लग रहा, अब बहुत प्रीटी लग रहे हो आप। मेरे कुछ भी नहीं कहते, ये मास्क हटा, जरा फोटो खींचो। सिर्फ फाउंडेशन वो कर रहा है, बहुत प्रिटी साड़ी थोड़ी। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तहजीब कितनी प्रिटी लग रही है, क्योंकि तहजीब आज बनी है टीचर, तो ये लग रही है बहुत 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 माशाल्लाह खूबसूरत। तो कमेंट करके बताइएगा तहजीब आपको कैसी लग रही है। आई एम श्योर तहजीब आपको बहुत प्यारी लगेगी, और इस साड़ी को पहचानिएगा तो जानूंगी। अभी रिसेंटली आपने इस साड़ी को देखा हुआ है, आप सब जानते हो, तो इतना सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं। हाँ जी, ये साड़ी मेरी ही है जो तहजीब ने बांधी है, और इसके फूफा मियाँ तो इसको देख के इतने शॉक्ड हो गए, इतने छोटी सी कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर हमारे सारे रेंटर खड़े हुए थे, वो भी सब देख रहे थे बच्चों को, बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे, तहजीब बहुत प्रिटी लग रही थी। तो जी, अब आ जाता है शाम का टाइम। शाम के टाइम मैं बना रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने
पालक जो है ना वो निकाल रही हूँ, उसको साफ करना है। साफ करके धो के इसको मैं बॉईल करूंगी और यमी सा पालक पनीर आप लोगों को बनाऊंगी। और यहाँ पर मेरा वीडियो शूट कर रही है इनायत, मैं दिख रही हूँ ना आप लोगों को, इनायत ऐसे ही वीडियो शूट करती है मेरा, तो मुझे भी ले लिया उसने। खैर चलो, तो यहाँ पर मैंने पालक को जो है ना वो बॉईल होने के लिए रख दिया, काफी अच्छे से बॉईल भी आ गया है। अभी फिलहाल मैं ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने लिए हैं 2 टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और 4-5 हरी मिर्च और 1 प्याज का टुकड़ा, सॉरी 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज के। तो सबसे पहले मैंने तेल के अंदर लहसुन और अदरक का साबुत ही ऐड करा है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर इसमें गला लूंगी। थोड़ा सा पानी और नमक डाल के इसको सौते करेंगे, उसके अंदर पानी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। इससे क्या होगा, मेरी ग्रेवी जो है ना वो बहुत यम्मी सी और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले जो पालक पनीर बनता है ना ऐसी निकल कर आएगी, ऐसी तैयार होगी। तो इसी तरीके से यहाँ डालते हैं। तो इसके अंदर आप चाहो तो काजू भी ऐड कर सकते हो, मगज ऐड कर सकते हो। मेरे पास ना तो काजू थे ना मगज थे, और बस मेरे पास खसखस थी, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच खसखस ऐड कर दी है। खसखस डालने से आपकी ग्रेवी जो है ना वो बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर आता है। काजू का भी यही प्रोसेस होता है और मगज का भी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करा ताकि सब्जियाँ मेरी थोड़ी सी गल जाएं, और फिर मैं पानी में इनको थोड़ा सा पानी डाल के इनको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। थोड़ा थोड़ी देर के बाद फिर मैं गैस बंद कर दूंगी, जब मेरी सब्जियाँ गल जाएंगी तो मैं इनको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी सी प्यूरी बना लूंगी। तो यही हमारी ग्रेवी होती है, मेन इंग्रेडिएंट्स यही है, इसी से हम तैयार करेंगे अपना बढ़िया सा पालक पनीर। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज का ठंडा पानी ले लिया है और पालक मेरा बॉईल हो गया था, तो मैं फ्रिज के ठंडे पानी में पालक को ऐड कर दूंगी ताकि पालक जो है ना वो काले रंग पे ना आए, उसकी ग्रीननेस जो होती है ना वो बनी रहे। तो ठंडे पानी में ऐड करने से पालक आपका ऐसे ही हरा और भरा रहता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ऑयल गर्म कर लिया है, मैंने मसाले पीस लिए हैं, ये मेरा टमाटर का प्यूरी है प्याज टमाटर की। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऑयल गर्म करा था, ऑयल के अंदर मैंने 1 प्याज जो था वो मीडियम साइज का काट के चॉप करके बारीक बारीक वो ऐड कर दिया था। आप इसके अंदर चाहो तो तेज पत्ते के पत्ते, खड़े गर्म मसाले ऐड कर सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, मुंह में आते हैं, तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं करा है। पीस के डाल सकते हैं, बट मैं गर्म मसाला बहुत ही कम ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है। आप पनीर की कोई भी डिश बनाओगे ना ग्रेवी वाली, उसके अंदर बेसन ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, आपकी जो ग्रेवी है ना वो गाढ़ी भी हो जाती है और एक अलग सा ही क्रीमी सा टेक्स्चर आ जाता है। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो बिल्कुल हलवाई यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने हलवाइयों के पास बैठ के सीखी थी ये सब्ज़ी बनानी, कि पनीर की सब्जी वो किस तरीके से बनाते हैं जो ग्रेवी वाली होती है। तो वो तो 101% शो इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज और टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था, प्योरी जो बनाई थी वो भी मैंने ऐड कर दी है। इसको मैंने अच्छे से ट्रिपल रिफाइंड कर लिया था, यानी कि छन्नी में छान लिया था, और जो प्योरी था वो उसको निकाल लिया है। तो इससे बहुत ही क्रीमी सा मुंह के अंदर आपके कुछ भी लहसुन अदरक प्याज वगैरह जो है ना कुछ भी नहीं आएगा, पालक का अपना ही एक अच्छा सा टेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा था, पालक ही ऐड कर दिया था तेल के अंदर, जैसे ही मैंने सामान डाला था ना, प्योरी डाली थी उसके अंदर, फिर मैंने पालक ऐड कर दिया था। पालक ऐड करने से क्या होता है, पालक की भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उसी टाइम तेल के अंदर अगर आप ऐड कर दो ना तो पालक की भुनाई बहुत ही अच्छे से होती है, हर चीज़ हर मसाला घुल मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और मैगी मसाला ऐड करा था, लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड नहीं करा है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। बाकी मैंने ग्रीन जो चिलीज़ होती है ना उन्हीं के साथ पालक पनीर बहुत ही यम्मी वाला बनाया था। और आप चाहो तो इसके अंदर ना रेड चिली जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है उसका ऊपर से देसी घी के साथ तड़का लगा सकते हो और इन्हेंस कर सकते हो पालक की पनीर की सब्जी, बाकी इसमें ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ पर भी मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है। अब ये पालक जो है ना जितना भुनेगा उतना बहुत ही यम्मी यम्मी टेस्ट आएगा इसका, तो इसमें भुनाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। मेरा भी कंटिन्यूसली मैंने इसको आधे घंटे तक भुना था, तो ये भुनते भुनते ही इस शक्ल में आ गया है। जो आपकी मलाई होती है ना ताज़ी वाली, क्रीम ले लो, अगर क्रीम नहीं है तो दूध के ऊपर की जो मलाई बलाई जो भी आप कहते हो उसको, वो इसके अंदर ऐड कर देना, आपकी जो सब्ज़ी है और भी ज़्यादा निखर के आएगी जब इसके अंदर क्रीम ऐड हो जाएगी। मैंने इसके अंदर बाज़ार का कोई ऐसा कोई ख़ास मसाला यूज़ नहीं करा है, घर के अंदर जो चीज़ें होती है ना उसी से मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। और यकीन जानिए आप इसे लच्छा परांठे के साथ खाओ, राइस के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, पूरी के साथ खाओ, आपकी सब्ज़ी बहुत गज़ब बनती है। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑयल जो है वो कितना सेपरेट हो चुका है, और भुनाई आप देख सकते हो पतीले की हालत बता रही है मेरे कि पालक पनीर कितने अच्छे से हमने, मतलब इस पालक की कितनी
अच्छे से बुनाई हो रही है, बाकी मेरी दीवार भी आपको बता ही रही होगी ना कि अप्पी ने आज हमें पकड़ पकड़ के भून दिया। तो ये अभी और भुनेगा जब तक मैंने जो पनीर के पीसेज है ना वो कट कर लेती हूँ हम बहुत अच्छे से। और यहाँ पर मेरी एक नाकाम सी कोशिश आपको गैस के हालात दिखाने की, तो हमने यहाँ पर एक जाँबाजी भी करी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा चुकी हूँ क्या हालात हो रहे हैं, और इसमें बी केयरफुल, बहुत छींटे लगती हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे को भी काफ़ी छींटे आ गई थी, बट फिर भी डर के आगे जीत है। और बच्चों के लिए बनाना था यम्मी यम्मी सा खाना, क्योंकि मेरी मम्मा का ये है, जिस दिन टीचर डे होता था ना उस दिन हमारी मम्मा हमारे लिए बहुत अच्छा सा खाना या लंच या नाश्ता कुछ बनाती थी, नहीं तो मार्केट से कुछ मंगवाती थी। तो मम्मा के कुछ रूल्स हैं जो मैं कोशिश करती हूँ फॉलो करने की, अपने बच्चों को भी वैसे ही रखने की जैसे मम्मा ने हमें तरबियत दी है ना। हर चीज़ को स्पेशल और कीमती बनाया है हमारे लिए, हर छोटे से छोटा मोमेंट, मेरी भी कोशिश ऐसी ही रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पालक बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 कप दूध। आप पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी बनाओगे तो उसके अंदर दूध ऐड करोगे ना, तो आपका जो पनीर की जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही क्रीमी क्रीमी सी आएगी। आप रेस्टोरेंट में देख लेना, वहाँ पर भी पनीर की ग्रेवी वाली सब्जियों के अंदर दूध क्रीम ये सब चीज़ें ऐड होती ही होती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था एक गिलास दूध। तो आपको थिकनेस देख लेनी है, थोड़ी देर बाद गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने फिर इसके अंदर 1 कप पानी भी ऐड करा है। अभी आपको ये थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी टाइम बाद ये काफ़ी थिक हो गया था क्योंकि इसके अंदर बेसन भी पड़ा हुआ है, तो दैट्स वाई ये, और पालक भी पिसा हुआ है तो इसलिए ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाता। तो यहाँ पर मैंने इसकी थिकनेस देख ली है, हमें इतना ही चाहिए था। आप नमक मिर्च इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इस स्टेज पे आप देख सकते हो कि आपको ग्रेवी में कितना नमक और कितनी मिर्ची चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं पनीर के जो पीसेज हैं वो ऐड कर दूंगी। उसके बाद अगर आप चाहो तो देसी घी और कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन लेके ऊपर से आप इसको खूबसूरत सा बना सकते हो। बाकी मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने एज इट इज़ ऐसे ही रखा इसको और ऐसे ही सर्व करा था। हाँ, बस थोड़ा सा पनीर रख लिया था, जब भी किसी की कटोरी में करके दिया तो ऊपर से पनीर जो है ना वो कद्दूकस करके दिया, तो उससे ऐसे बच्चों को लग रहा था जैसे कि मैंने उसके अंदर चीज़ ऐड कर दी है, बट पनीर ही था। और ये हमारा पालक पनीर बन के बिल्कुल रेडी हुआ है। और अब मैंने सोचा चलो जल्दी से मैं रोटियाँ डाल लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड नहीं आए थे अभी तक और बच्चों से तो आज सब्र ही नहीं हो रहा था क्योंकि उनका पालक पनीर, इनायत को पनीर बहुत पसंद है, मुझे और हस्बैंड को इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो इनायत को पसंद था तो हमने उसकी खुशी के लिए बना दिया था। मैंने कहा चलो आपको पसंद है तो इसलिए मैं बना देती हूँ, अदरवाइज़ मुझे पनीर बनता है ना तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं दूध दही या कुछ भी ऑमलेट वगैरह बना, ऑमलेट क्या होता है, ऑमलेट बना लेती हूँ खाने के लिए। तो बस यहाँ पर भी मैंने अपनी रोटियाँ जो है ना वो सेक दी है। इनायत इन रोटियों को बोलती है मम्मा आपकी रोटी जो होती है ना वो जम्बो साइज़ की रोटी और परांठा होता है, क्योंकि आसिफ जी को ये बड़ी बड़ी रोटियाँ अच्छी लगती हैं, पतली पतली सी चपातियाँ उन्हें बहुत पसंद है। तो मैं कभी छोटे वाले तवे पे बना लेती हूँ, कभी बड़े वाले तवे पे बना लेती हूँ। खाना बनने के बाद हमारी रूटीन होती है किचन क्लीन करने की, नीट एंड क्लीन करके सोने की। हाँ, मैं नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, बाई एनी चांस मेरी तबीयत ख़राब है या मुझे पानी नहीं मिला है तो मेरा किचन ऐसे ही रहेगा, अदरवाइज़ तो पूरा क्लीन करने के बाद ही सोती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारा का सारा क्लीन कर दिया है अपना किचन। अब बारी है मेरे डिनर करने की, सब बच्चे खा चुके हैं, ईशा की नमाज भी मैं पढ़ चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा था, तो मैंने दही ले लिया है, दही के अंदर ये खांड होती है तो मैं खांड के साथ दही और थोड़ा सा पालक पनीर भी मैंने ऐड करा है। तो बस यहीं पे मैं अपना वीडियो स्टॉप करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। था बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कोई भी गलती